Dear students, in this topic we shall discuss muscle fatigue. The prolonged and sustained strong contractions of the muscle lead to muscle fatigue. Jise hum, arm language mein, muscles ka Skeletal muscles in this condition are no longer to contract optimally. ये स्टूडेंट्स द मसल फैटीग हैज फिजियोलॉजिकल कॉजेस दिस फैटीग कैन अकर इन दी न्यूरो मस्कुलर जंक्शन और एनी ऑफ अदर कॉन्ट्रेक्टाइल एलिमेंट्स ऑफ द मसल्स जो भी कॉन्ट्रेक्शन में इन्वॉल्व मसल्स के एलिमेंट्स हैं उनमें से किसी भी लेवल पर फैटीक हो सकती है वी शल डिस्कस फ्यू ऑफ द रीजन्स आर कॉजेज ऑफ मसल फैटिक फर्स्ट वी शैल डिस्कस के न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर जो ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स है मुसलसल एक्टिविटी की वजह से वो ट्रांसमिशन मुतासर होती है क्योंकि जब प्रोलोंग एक्टिविटी रहती है तो एज ए रिजल्ट नर्व uh, इम्पल्स की ट्रांसमिशन डिमिनिश डिमिनिश आर स्लो हो जाती है दिस बिकॉज़ ऑफ आइन इम्बेलेंसेज हैपनिंग ड्यू टू दि एज ए रिजल्ट इम्पेयरमेंट ऑफ एक्साइटेबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन आकर्स तो जब इम्बेलेंसेज ऑफ आइंस होते हैं तो उसके नतीजे में मैमब्रेन की एक्साइटेबिलिटी कम हो जाती है और एज ए रिजल्ट नर्व इम्पल्स की कंडक्शन और ट्रांसमिशन स्लो और डिमिनिश हो जाती है ये स्टूडेंट्स ये जो आयन इम्बेलेंसेज होते हैं दे हैपन बिकॉज ऑफ इम प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सोडियम पोटाशियम पंप सोडियम पोटाशियम पंप की फंक्शनिंग इसलिए मुतासर होती है कि सोडियम Potassium or calcium ion channels inactivate or insensitive. Ho jate hain. If this is the cause of muscle fatigue, then there is a quick recovery within 30 minutes. Dear students, another physiological cause of muscle fatigue is the interruption in excitation contraction coupling.

ये स्टूडेंट इन थ्री मेजर काजिस के अलावा अदर फैटिक कंट्रीब्यूटर्स में जो फैक्टर्स आते हैं वो हैं हैंकूमोलेशन ऑफ इन इनआरगेनिक फॉस्फेट्स इन मसल्स देन एकूमोलेशन ऑफ हाइड्रोजन आइन्स जिसे हम मेटाबोलिक uh, एसिडोसिस कहते हैं जो के सेल के और मसल सेल्स के मेटाबॉलिक प्रोसेस को अफेक्ट करती है इसके अलावा मुसलसल कॉन्ट्रेक्शन की वजह से सेल के पास इनर्जी रिसोर्सेज में या तो ग्लाइकोजन की डिप्लीशन हो जाती है या ए टी पी की डिप्लीशन हो जाती है तो एज ए रिजल्ट मसल फटीग अपीयर होती है डियर स्टूडेंट्स पास्ट में मसल फटीग के लिए जो सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर समझा जाता था वो लैक्टिक एसिड की एकूमुलेशन थी हा हैव प्रूव्ड दैट दिस फैक्टर इज नॉट ए कॉज ऑफ मसल फैटिग, इसलिए अब हम इस फैक्टर को मसल फैटिग की वजह नहीं समझते